जेके न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शंस हैं वो अभी चल रहे हैं और हाफ ऑफ द स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। वोटिंग जो है अब उसकी काउंटिंग अंदर स्टार्ट होने वाली है और बाहर इस समय हमारे साथ जो एडवोकेट्स हैं वो जुड़े हुए हैं और इस इलेक्शंस पर हम बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। सर आप मुझे बताइए, जो सुबह से अभी तक इलेक्शंस हुए हैं कैसी प्रक्रिया रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? पहले तो आपका मैं वेलकम करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। आज जो इलेक्शन हुई है ये बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। हर एक वोटर जो जितने भी 95% मेरे हिसाब से वोटिंग कास्ट हुई है, बड़ा जोश था हमारे वकील भाइयों में, बहनों में, और टोटल जो वोट कास्ट हुआ है वो है 1889। तो सर क्या देखते हैं, अभी काउंटिंग स्टार्ट होने वाली है, कितना वक्त लग जाएगा और क्या उम्मीदें हैं, कौन जीत कर आने वाला है? अभी जीत तो अभी सारों की किस्मत उसमें बंद है, बॉक्स में, इस पर कोई टिप्पणी करना मैं बाजा नहीं समझता हूँ। लेकिन जो है काउंटिंग को तो समय लगता है, आप लगा के चलिए 3-4 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि पहली फ्लैश ये देते हैं 200 के ऊपर, तो अभी ये 6:30 बजे काउंटिंग होगी मेरे हिसाब से। 12-1 बजे के भी आपको 12 बजे तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कैंडिडेट ले रहा है। सर इस बार जो चेहरे हैं बड़े नामचीन चेहरे हैं यहाँ पर, क्या देखते हैं आप? सर हमारे यहाँ पे हर एक मेंबर नामचीन चेहरा ही है। जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करता है वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत ही गट्स चाहिए होते हैं मेरे हिसाब से कंटेस्ट करने के लिए ही। इलेक्शन में खड़े होना मतलब 3-4 महीने से आपकी एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि आपको हर एक वकील साहब से मिलना होता है, आपको अपने एफर्ट्स डालने होते हैं। तो सर कहेंगे कि काफ़ी अच्छा माहौल होता है ये इलेक्शंस के दौर का। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है मिक्स है, यंगस्टर्स भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी है सारा? एग्जैक्टली सर, मतलब आप इसमें वाइस प्रेसिडेंट देख लीजिए, अपना जनरल सेक्रेटरी देख लीजिए, यंगस्टर्स का मिक्सचर है, सीनियरशिप का मिक्सचर है। तो सर ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी हेल्दी इलेक्शंस हो रहे हैं, फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। सर क्या मेन इश्यूज रहते हैं, खासकर अगर यंग लॉयर्स की बात करें या जो लॉयर्स हैं उनके मेन इश्यूज क्या रहते हैं? देखिए, एक तो मैं आपके माध्यम से ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये इलेक्शन थोड़ी सी किसी कारणवश डिले थी, तो वकला साहिबान काफ़ी देर से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि एक नया चेहरा जो है वो बार एसोसिएशन को मिले, नया चेहरा यंग और एनर्जेटिक। अभी तक जो है वो बैलेट में सबकी किस्मत बंद हो चुकी है। ओवरऑल वकला साहिबान में काफ़ी जोश था आज। इश्यूज़ जो हैं वो 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद सबसे ज़्यादा डैमेज अगर कुछ हुआ है तो वो हमारे वकला साहिबान को हुआ है। एक तो इन्होंने कोर्ट्स यहाँ से शिफ्ट कर दी, जो काम था उसमें फ़र्क पड़ गया, मतलब ज्यूरिडिक्शन जो जुडिशियल थी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के पास भेज दिया, तो बड़ी सारी जो परेशानियाँ थी वो थी। तो उन परेशानियों के लिए आपने देखा होगा, आपके माध्यम से ही जनता को भी पता चला कि हम लोगों ने पीछे अभी 1 महीने की लंबी एजिटेशन भी लड़ी कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए, ताकि सारा जो कोर्ट कम्प्लेक्स है वो सब इधर आए। अब एक इशू मेन जो चल रहा है वो हाई कोर्ट शिफ्टिंग का चल रहा है, सिंपल हाई कोर्ट जो यहाँ से उठा के उसको रायका में शिफ्ट किया जा रहा था। तो इश्यूज जो हैं वो बहुत बड़े इश्यूज हैं और बार एसोसिएशन के नई टीम के कंधों पे ही ये दारमदार है कि वो किस तरीके के साथ इन इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएगी। और जो हमारी वोटर कॉर्नर्स मीट होती है उसमें भी मेन एजेंडे में जो था वो ये इश्यूज थे हमारे, उन इश्यूज के बेस पे जो है वो आज वोट कास्ट हुआ। और हमें लगता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो जिस पे हमारे वकला साहिबान ने भरोसा जताया होगा, वही एक अच्छी टीम को लीड करेगा और एक अच्छी और नई टीम जो है वो मुझे लगता है कि रात के 12:30 तक हमें रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद मिलेगी। बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो बैनर लगे हुए हैं, इसमें यंग चेहरे भी हैं और एक्सपीरियंस लोग भी हैं जो अपने प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और हम आपको बता दें कि अब इलेक्शन जो है वो हाफ ऑफ द स्टेज पर पहुँच चुका है और काउंटिंग अंदर जो है वो अब शुरू होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि अगले
तीन चार घंटों में जो है रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा और जम्मू के लोगों को पता लग जाएगा कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है नया बार प्रेसिडेंट कौन होने वाला है। और जम्मू के इश्यूज जो रेज़ करते हैं, खासकर बार एसोसिएशन जो है एक बड़ी स्ट्रांग बॉडी है जो खासकर जो जितने भी इश्यूज़ होते हैं जम्मू रिलेटेड वो बार उठाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बैनर में जितने भी लोग हैं ये सब यंग और एक्सपीरियंस लोगों की जो है पूरी जो है यूनिटी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अब इंतज़ार है इलेक्शंस के रिजल्ट का, जब इलेक्शन रिजल्ट घोषित होंगे तो देखेंगे कि नया बार प्रेसिडेंट कौन होगा। कैमरामैन अरुण बब्बर के साथ रंजीत ठाकुर।